हेलो दोस्तों, साल 1976 में लूना 24 को लॉन्च करने के करीब 5 दशक बाद रसिया इस साल 11 अगस्त यानी कि शुक्रवार को लूना 25 को लॉन्च करने वाला है, जिसे चंद्रयान 3 का कंपटीटर कहा जा रहा है। क्योंकि लूना 25 को 11 अगस्त लॉन्च करने के करीब 11 से 12 दिन के अंदर लूना 25 मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। रसिया का लूना 25 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किसी भी समय चांद के साउथ पोल पर लैंड कर सकता है और चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय चांद के साउथ पोल पर लैंड कर सकता है और इसी वजह से लूना 25 को चंद्रयान 3 का कंपटीटर कहा जा रहा है। लेकिन रसिया के लिए लूना 25 का मिशन चुनौती से कुछ कम नहीं था। साल 2021 के अक्टूबर में लूना 25 को लॉन्च करने की बात की गई थी, लेकिन लॉन्च में लगभग 2 साल की देरी हुई क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसने लूना 25 पर अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा को परीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के ऊपर रूस आक्रमण के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट के साथ अपना नाता तोड़ लिया। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस 11 अगस्त को लूना 25 को मॉस्को से 3450 मील दूर वेस्टोचेन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च करने वाला है। सेफ्टी के लिए लॉन्च साइट के साउथ ईस्ट में स्थित रूस का खाबारोवस्क क्षेत्र में साखातिन्स्की बस्ती की निवासियों को शुक्रवार सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि लूना 25 को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया रॉकेट का स्टेज आसपास के क्षेत्र में गिर सकता है। मैस 1.8 टन और 31 केजी साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ लूना 25 का चांद पर उड़ान भरने में 5 से 7 दिन समय लगेगा और फिर ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थल के एक में से उतरने से पहले लूनर ऑर्बिट पर 5 से 7 दिन बिताएगी। और ये लूना 25 बोगुस लाभास की क्रिएट के पास एक रिजर्व एरिया मांजिनी क्रिएट के साउथ ईस्ट में लैंड करेगी। लूना 25 का ये मिशन सामने आने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो है मून की साउथ पोल पर ऐसा क्या है जो कि साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। मून की साउथ पोल साइंटिस्टों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक है क्योंकि साउथ पोल पर स्थायी रूप में जहाँ पर शैडो होता है वहाँ पे पानी के रूप में बर्फ पाई जाती है और कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो अपने ही अंदर एक अनोखा है क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। नासा का साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि साउथ पोल पर कुछ गड्ढे ऐसे हैं जहां पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंचा है और वहां का टेम्परेचर 203 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तक जा सकता है और यही कारण साइंटिस्टों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। और ये लूना 25 चांद पर जमा हुआ पानी की उपस्थिति को परीक्षा करने के लिए 15 सेंटीमीटर गहराई से चट्टान की नमूना लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा जो कि चांद पर मानव जीवन को समर्थन कर सकता है। नासा के अनुसार लूना 25 का उद्देश्य है चांद के ध्रुवीय रेगोलिथ और चांद का एक्सोस्फीयर का प्लाज्मा और डस्ट कंपोनेंट्स का स्टडी करना, जहां पर चंद्रयान 3 का मेन लक्ष्य है चांद पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर मोबिलिटी और इनसीटू का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। लूना 25 के साथ चंद्रयान 3 का कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले बात आती है लैंडर स्ट्रक्चर की। लूना 25 का लैंडर चारों पैर वाला बेस है जिसमें लैंडर रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक है। ऊपर के एक कंपार्टमेंट में सोलर पैनल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है। चंद्रयान 3 में एक इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपेलेशन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। रोवर लूनर सरफेस पर केमिकल को एनालिसिस करने के लिए साइंटिफिक पेलोड्स द्वारा बनाया गया है। उसके बाद पेलोड्स की बात की जाए तो लूना 25 में 8 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें गामा रे, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स और कुछ इमेजिंग सिस्टम शामिल है। और चंद्रयान 3 में चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट और लैंगमोर प्रोब जैसा कुछ पेलोड शामिल है, जबकि रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे उपकरण है। इसका कारण है मिशन का ड्यूरेशन। उम्मीद है कि लूना 25 का लैंडर लूनर सरफेस पर 1 साल तक काम करेगा और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर का मिशन लगभग 1 लूनर डे पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन है। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।